अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको गजरेला या इसे ही कह सकते हैं कि गाजर की खीर, ये मैं बताने जा रही हूँ। तो अभी गाजर का बहुत अच्छा सीज़न आया हुआ है, बहुत फ्रेश गाजर आई हुई है, जिसके लिए हमें ये दो गाजर की ज़रूरत लगेगी। ये देखिए, ये दो गाजर बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इसे मैंने छील कर रखा हुआ है, इसे मैं कद्दूकस करूँगी। साथ ही ये मैंने लिया है चावल लिया है, ये अपना रेगुलर चावल है, बासमती राइस है। ये मैंने 5-6 चम्मच लिया है, ये समझिए कि ये कप लिया था मैंने, इसका इससे नाप के लिया है। तो ये मैंने एक फुल पूरा भर के लिया है और एक आधा भर कर लिया है। तो ये जो कप के साइज़ मेजरमेंट आते हैं वो आधा कप का है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है आधा कप। तो ये 1.5 कप लिया है मैंने चावल, 2 लीटर दूध में ये काफ़ी अच्छा रहता है, ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट बनती है इससे, तो आप भी ज़रूर ध्यान रखिए। इसमें शक्कर जाएगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं शक्कर, मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा फीका खाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो मैं इसमें 10 चम्मच शक्कर डालूँगी, खाने की जो 10 चम्मच है वो शक्कर डालूँगी। साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो मैं कट करके इसमें ऐड करूँगी। ये 5-6 बादाम हैं, 7-8 बादाम हैं, काजू हैं, किशमिश हैं। और ये 2 लीटर दूध है जिसे मैंने बॉईल कर लिया था, और इसकी ये मलाई भी ऊपर आ चुकी, क्रीम मैंने इसको निकाला नहीं है, अब मैं इसे बॉईल करने रखती हूँ। ये मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है, मलाई मैंने बिल्कुल नहीं निकाली ताकि ये मलाई से जल्दी से थिक हो जाएगा, ज़रूरत लगेगी तो हम फिर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, और अब ये मैं चावल है, चावल को मैं दरदरा पीस लूँगी और इसमें दूध के साथ ऐड कर देंगे। तब मैं आपको पीस के बताती हूँ इसे। ये देखिए, मैंने चावल को थोड़ा दरदरा पीस लिया है, अब मैं इसे दूध में ऐड कर दूँगी। ये मैं चावल ऐड कर रही हूँ इसमें, ये चावल डालने के बाद ये कंटिन्यूसली आप इसे थोड़ी देर तक चलाते रहिए, नहीं तो ये अगर आपका भगोने की पेंदा हल्का हुआ तो चिपकने का डर रहता है, तो आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। साथ में हम गाजर भी खींच लेते हैं, कद्दूकस कर लेते हैं उसे। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, शक्कर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ चावल गलने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए, मैंने दोनों गाजर कद्दूकस करके रख लिया है, बस अब मैं आपको जैसे ही चावल हाफ डन होते हैं हम ये गाजर ऐड कर देंगे, ताकि जो बचे हुए कच्चापन है चावल का और ये दोनों मिलकर एक साथ कुक हो जाए। देखिए, दूध को बॉईल होते होते तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, दूध अच्छे से थिक हो चुका है। तो अब इस वक्त हम इस बराबर ये टाइम है कि हम इसमें, क्योंकि चावल भी कम्प्लीटली कुक हो चुका है, देखिए ये अच्छे से गल चुका है चावल भी, तो इस वक्त हम इसके अंदर गाजर और शक्कर ऐड करेंगे। ये मैंने कद्दूकस करके रख ली थी गाजर, तो ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें गाजर। साथ ही मैं इसमें शक्कर भी ऐड कर दूंगी। मैंने शक्कर और गाजर दोनों इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए, अच्छे से फिर इसे मिला दीजिए। शक्कर अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल लीजिए। अब हम इसे मध्य आंच पर गाजर के कम्प्लीटली कुक होने तक हम इसे रखेंगे, मध्य आंच पर पकाते रहेंगे। ये जितनी धीमी आंच पर देर तक पकता रहेगा इसका जायका बढ़ता जाएगा। देखिए, काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है,
और इसमें ड्राई फ्रूट सारा कट कर लिया था, अब इसे मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैं इसलिए देर से डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा कड़क रहे क्रंच आने में तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा लेट डाल रही हूँ। हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी है, गाजर अच्छे से कुक हो चुकी है, ये देखिए गाजर अच्छे से बिल्कुल कुक हो चुकी है और चावल भी बिल्कुल हो चुका है, कम्प्लीटली कुक हो चुका है। इसके ये इतना ही ठीक रहेगा तो हमारा गजरेला बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल ठंडा करके सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।